तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अभी की लेटेस्ट न्यूज़ शिक्षक भर्ती को लेकर। राजस्थान पत्रिका की न्यूज है, पीएम श्री स्कूल में होगी भर्ती, 402 योग व 402 स्पोर्ट्स टीचर्स की होगी नई नियुक्ति। तो पूरी न्यूज़ हम विस्तार से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पीएम श्री स्कूल में होगी नई 402 योग व 402 स्पोर्ट्स टीचर्स की नई नियुक्ति। खुशखबरी, राजस्थान के 402 पीएम श्री स्कूलों को लेकर बड़ा अपडेट। भजनलाल सरकार 402 स्कूलों में एक योग और एक स्पोर्ट्स टीचर्स की भर्ती करेगी। इस हिसाब से 804 पदों की भर्ती की जाएगी, जाने पूरा मामला। तो यहाँ पर देखिए बड़ी बात, शिक्षक भर्ती होगी, नई शिक्षक भर्ती। राजस्थान के 402 पीएम श्री स्कूलों में योग और स्पोर्ट्स टीचर्स पद पर भर्ती की जाएगी। इन सभी विद्यालयों में एक एक स्पोर्ट्स और योग टीचर की नियुक्ति की जाएगी। ये योजना प्रधानमंत्री द्वारा खेलों को बढ़ावा देकर बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए शुरू की गई। खेल से पारस्परिक सौहार्द व टीम भावना भी जागृत होती है। इसी सोच के साथ स्पोर्ट्स व योग टीचर की नियुक्ति की जाएगी। इस योजना में राज्य के 402 विद्यालयों में को शामिल किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 402 लाख रुपए का बजट पास किया है। वही उदयपुर के 22 पीएम श्री विद्यालय में शामिल है। आवेदन के लिए यह होना जरूरी। स्पोर्ट्स टीचर्स के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री एवं संबंधित क्षेत्र में स्पोर्ट्स टीचर्स के रूप में एक साल का अनुभव। योगा टीचर्स के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री, डिप्लोमा एवं योग ट्रेनर के रूप में एक साल का अनुभव होना चाहिए। चयन के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार प्रतिभागी की उम्र कम से कम 21 से 40 वर्ष की होनी चाहिए। तो बड़ी बात, शिक्षक भर्ती होगी राजस्थान के स्कूलों में, पीएम श्री स्कूलों में नए टीचर्स की भर्ती। 804 पदों पर। तो ये दोस्तों आपके लिए अच्छी न्यूज़ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये निर्णय कर लिया है कि जल्दी आपको विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है स्कूलों में। इसके अलावा एक और न्यूज़ आज के, बेरोजगारी भत्ते पर संकट, 220 करोड़ रुपए अटके 2 लाख बेरोजगारों के। भत्ता लेने वालों के लिए पास, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें रीट फर्स्ट ग्रेड की, तो आने वाले दिनों में आपको रीट की विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है। 30,000 पदों पर DPC होगी, थर्ड ग्रेड से सेकेंड ग्रेड, प्लस 10 से 15,000 ऑलरेडी पद खाली है। तो इस तरह 45,000 पद आराम से हो जाएंगे थर्ड ग्रेड के लिए। 21,121 पदों पर DPC होगी सेकेंड ग्रेड की, सेकेंड ग्रेड के फर्स्ट ग्रेड बन जाएंगे, और फर्स्ट ग्रेड की भी 10 से 15-20 हज़ार के बीच DPC होगी, लेकिन सबसे पहले सेकेंड ग्रेड की DPC होगी। इसी महीने में आपको आने वाले दिनों में उसके आवेदन प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। तो सेकेंड ग्रेड के 21,121 सेकेंड ग्रेड के जो टीचर हैं वो फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनेंगे, सेकेंड ग्रेड के पद खाली हो जाएंगे, लेकिन उधर से थर्ड ग्रेड से 30,000 पदों पर DPC करके सेकेंड ग्रेड के ये पद भरे जाएंगे, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा फर्स्ट ग्रेड को होगा और थर्ड ग्रेड को होगा, क्योंकि थर्ड ग्रेड के 30,000 पद एक साथ खाली हो जाएंगे नई रेट के लिए। तो आने वाले दिनों में आपको जो भी रेट आएगी उसमें अच्छे खासे पद देखने को मिल सकते हैं। तो लास्ट में दोस्तों बड़ी बात, राजस्थान की PM श्री स्कूलों में शिक्षक भर्ती होगी।